मेरा नाम है सलोनी राठी और आप मुझे देख रहे हैं बजूका टीवी पे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आज रुद्र अभिषेक के दौरान हमें इस समस्या का समाधान मिलेगा। अरे धनी आप पहुंच गए उसमें। ठीक है बेटा, ठीक तो बोला। हमारे पति हमारे सासू की चौकीदार रहते हैं। जब तक हो तब तक यमराज भी हमारे साथ से नहीं थी। हमेशा प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमेशा तुम्हें स्वस्थ करें। नंदनी, हम हमेशा प्रार्थना करेंगे कि भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब साजिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। चलो अब तो हमें भी लगने लगा कि हमने पूरी पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें यकीन नहीं हो रहा है, जिसे हम मासूम समझ रहे थे वो तो पीठ में खंजर घोंपने वाली निकली। पर आप फिक्र मत कीजिए, आज हम पूजा में बैठने से पहले उसे जरूर पूछेंगे कि उसने हम पे हमला क्यों किया। आपने जो सर्वे की थी देखा, ये आई आपके पांव छू। क्या कर रही हो तुम? काश तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें ये भी सिखाया होता कि किसी दूसरी औरत के पति को अपना पति नहीं कहा जाता। आपका इशारा नौकरानी की तरफ है ना? नौकरानी? ये तुम क्या बोल रही हो? क्योंकि हम सब जानते हैं इस लड़की ने आपके ऊपर वसीकरण किया हुआ है। ये आपकी बहू नहीं, ये इस घर की नौकरानी ही है जो आपके पोते को हासिल करना चाहती है। आंखें खोलिए दादी माँ। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नंदनी नौकरानी नहीं है, नंदनी इस घर की बहू है। सुना तुमने? फूली, आज घर में रुद्र अभिषेक है, हम नहीं चाहते कि तुम कोई तमाशा खड़ा करो। ए मास्टर जी, कसम करे जे की हम तुम्हारी धमकियों से चुप नहीं रहने वाले, समझी तुम? वो तो शुक्र मानो कि कल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना सर्दी की वजह से सीधा स्वर्ग पहुंच जाती तुम। पता नहीं कब पीछा छूटेगा तुम जैसी जादू टोना वाली से, पता कल ही मर जाती। उसको भी गुस्सा आया, उसने मारा थप्पड़ नंदनी ने इसको। आपने हमें फिर मारा, इस थप्पड़ को याद रखना, क्योंकि आइंदा तुमने अगर ऐसी बातें की तो हम ऐसे ही एक और थप्पड़ तुम्हें देंगे। और हाँ, ये मत समझना कि हमें तुम्हारी करतूतें नहीं पता। हम जानते हैं कि तुमने ही कल हमें फ्रिज में मारने के लिए डाला था। तुमने अब तक सिर्फ हमारे प्यार देखा है, अब तुम्हें हम अपना गुस्सा दिखाएंगे। याद रखना, हम धरती माँ की बेटी है, तुम जैसे को मिट्टी में मिला ना वो भी जानते हैं हम। शाबाश नंदनी, हमें तुम पर बहुत गर्व है। ऐसी लड़की के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। या अभी के सीन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है नंदनी पर कटाक्ष किया जा रहा है जी, तरफ जी, जी, जी। जहां पर माता जी नाराज भी हो जाती है जी। प्लीज बताइए क्या हो रहा है एग्जैक्ट। एग्जैक्टली अभी यही हो रहा है कि जैसे मैंने बोला, फुली ग्रे नहीं है एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं वो इनोसेंट है। हाँ हाँ, वो इनोसेंट है तो उसको मैनिपुलेट करना आसान है। तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या, आप अगर जानते हो शो में ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्या ने फूली को ऐसे बोला है, कुछ बातें पढ़ाई है, कुछ पट्टी पढ़ाई है, उसने उसको कह दिया है कि नंदिनी इस घर की बहू है ही नहीं, नंदिनी नौकरानी है। तो ये बात फूली के दिमाग में बैठ चुकी है अब, और फूली बस यही कर रही है कि उसको लग रहा है कि अच्छा मैं ही तो हूँ पत्नी इसकी। तो वो फिर वैसा ही कि फूली अब लगी पड़ी कि सिर्फ नौकरानी बोलेगी नंदिनी को। तो ये चीज़ें हो रही हैं अभी, इस वजह से माता जी नाराज़ हो गई, गुस्सा दिख रहा है जी, गुस्सा दिख रहा है। वो तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि कैसे गुस्सा टैकल कर पाऊँगी, लेकिन लेट्स सी, इनोसेंस के साथ और थोड़ा डफरनेस के साथ, और कहीं ना कहीं उसी के साथ ग्रे शेड भी थोड़ा आ रहा है उसका, तो लेट्स सी कैसे वर्कआउट करती हैं चीज़ें। ओके,
बट आई एम रियली एक्साइटेड। जाते-जाते लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? जी, मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर फूली को देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे बहुत बहुत प्यार दें, और प्लीज़ ये बताएं कि क्या आपको फूली अच्छी लग रही है। फूली के काफ़ी शेड्स हैं, हाँ वो ग्रे भी हो है थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें एक इनोसेंस है, तो उम्मीद है कि आपको उसकी इनोसेंस और उसकी जो एक फ़न एलिमेंट है वो आपको पसंद आएगा, वो आपको हंसाएगा। तो दैट्स इट।